सब ठीक होंगे, आप सबके दुआओं से अलहमदुलिल्लाह मैं मेरी फैमिली दोनों भी ठीक है। मैं कुछ अच्छा सा चिकन का स्नैक्स बनाने जाती हूँ, सोचा उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये आप लोगों को बताती और दिखाती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ। तो आइए, ये एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने काट के चॉप कर लिया है। ये 4 टेबल स्पून छोटे वाले, ये 4 चम्मच मैदा, 2 चीज क्यूब है जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये छोटा चम्मच जीरा पाउडर है 1, और ये खटाई छोटा चम्मच 1, और ये आधा चम्मच छोटा काला नमक है, और ये कूटी हुई काली मिर्च है, आधा नींबू है, 5 हरी मिर्ची जो कटी हुई है, ये छोटा चम्मच चाट मसाला है, ये थोड़ा सा धनिया है, और 1 चम्मच नमक है सफ़ेद वाला, और 1 पाव किलो चिकन जिसको बॉईल करके मैंने रेशे रेशे कर दिए इसके। और हमने 2 टेबल स्पून फ्राई पैन में तेल रख दिया, अब तेल गरम करेंगे। अभी हमारा तेल गरम हो जाए फिर क्या क्या डालना है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तेल फ्राई पैन में डाल दिया है, अब गैस की फ्लेम करेंगे ऑन। बिस्मिल्लाह, हमारा तेल गरम हो रहा है तो मैं बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या डालना है। हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे प्याज। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो निकल जाए, और उसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे कि अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो निकल जाए। अब हम डालेंगे इसमें चिकन। हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए, सिर्फ कलर चेंज होना चाहिए। अब डालेंगे इसमें चिकन, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और खटाई, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक, हरी मिर्च और धनिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और डालेंगे आधा नींबू। अब हम कर देंगे अपनी गैस की फ्लेम को बंद, और इसको निकालेंगे ठंडा होने के लिए। ये हमारा चिकन हो गया है ठंडा, अब इसमें हम डाल देंगे अपनी चीज। इसको मिला लेंगे। अभी सेम फ्राई पैन लेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम ऑन। इसमें डालूंगी मैं पानी, थोड़ा पानी बचा लूंगी, पानी गर्म होएगा तब इसमें मैं ये 4 टेबल स्पून मैदा डालूंगी। हमारा ये पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपने मैदा। अब इसको हम चला लेंगे, इसको एक बारीक सा स्लैरी बना लेंगे एकदम स्मूथ। ये बिल्कुल इस तरीके से चाहिए हमें। अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बंद, और इसमें डाल देंगे हम हमारे ये चिकन। ये हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, अब इसकी हम बनाएंगे कबाब के शेप में, आपको लोगों को दिखाती हूँ। ये हाथ से, अब हम इसको हाथ से बनाएंगे। इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, पर मैं ऐसे लंबा शेप दूंगी। ये हमारे हो गए हैं सारे, हमने बना लिए हैं, और अब इसको कोटिंग करने का भी दिखाती हूँ। ये हमारी सारी टिक्की बन चुकी है, अब इसको कोट करने, अब हम इसके लिए इसकी कोटिंग का सामान दिखा रही है। एक अंडा लिया है, 2 चम्मच इसमें दूध डालूंगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी, और ये मैदा है कोट के लिए, फिर इसके बाद ये ब्रेड गम है। अब हम इसको मैदे में डालेंगे, इसको अच्छे से कोट करेंगे,
और फिर अंडे में डालेंगे, फिर इसको हम ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। ऐसे हम हमारे सारे कोट करके रख लेंगे। ये हमने पूरे कोट करके रख लिए। अब तेल हम फ्राई पैन में डाले, अब तेल गरम करने रखेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम को करेंगे मीडियम। अब हम डालेंगे इसमें हमारे ये दूध। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे, ये गोल्डन हो जाए नीचे से, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये अब हम निकाल लेंगे क्योंकि इसमें चीज़ है, इसको इतना ही ब्राउन करना था, नहीं तो चीज़ फट के हमारे बाहर आने लगेगी। ये हमारा हो चुका है, अब टिश्यू पेपर में डालेंगे। अब ये दूसरे वाले जो हमारे हैं ये भी इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, नहीं तो चीज़ हमारी फटने लगेगी। ये हमारे हो चुके हैं, अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको भी हम निकाल के टिश्यू में रख लेंगे। अब इसको हम सर्व के लिए सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये मैंने सर्विंग प्लेट में सजा दिया है, अब इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। ये ऐसा है, ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा है, और इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरा ये चिकन रोल बनाने का तरीका समझ में आया हो, उसकी सारी रेसिपी समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सना की प्यारी दुनिया को आगे तक पहुंचाइए। यार इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तो आप लोग शेयर कीजिए सब में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनाए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपको। और अपने बड़ों की इज्जत कीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।